Thank you, Dr. Gulshan. You can share my PPT. So I will take a few slides, then you can take forward the presentation. Sure, ma'am. So this presentation is about digital initiatives at national level, and you will come to know what we are doing at national level. But we also need to know the kind of challenges that we as a nation are facing. It is not only us. Challenges are applicable to anyone. मैम आपके वॉइस कट रही है. अभी ठीक है? इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर? नो मैम नो, आपकी वॉइस कट रही है. चले लेट मी फिक्स इट. आई थिंक एट माय एंड डिफरेंट पीपल आर इट्स क्लियर मैम. So it is clear to them. Maybe there is some problem in your network, those who are not able to listen properly, because others are able to hear it properly. So let me begin. So we will share the presentation also with you. Right after this presentation, we will share this PPT in the group. You can go through the PPT, and if there are any issues जो आपको discuss करने हैं, जो आपको कोई प्रश्न पूछने हैं, तो आप पूछ सकते हैं इसी presentation के ऊपर, जिनको अगर कोई दिक्कत आ रही है audio में. तो हम बात कर रहे थे challenges की. ये देश के ये चैलेंजेस यूनिफॉर्म है, सभी के सामने ये चैलेंजेस हैं. तो जैसे कि डाइवर्सिटी एक चैलेंज है. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, यहाँ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पहाड़ भी हैं, पठार हैं, मैदान है, समुद्र है. तो हर तरह के ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है. तो ये विविधता जहां हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक विविधतापूर्ण देश है भारत, लेकिन ये एक चैलेंज की तरह भी हमारे सामने आता है जब हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात करते हैं. जैसे जब हम डिजिटल रिसोर्सेज के निर्माण की बात करते हैं तो हमें हर भाषा को महत्व देना है, और हमारे देश में 1500 से ऊपर बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं. तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, विविध भाषाओं में कंटेंट का निर्माण करना एक हमारा चैलेंज है. लेकिन इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कार्य करें. इसमें जो भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं, अगर वो अपनी भाषाओं में डिजिटल कंटेंट बनाएंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, सबटाइटलिंग करेंगे, तो हम एक ही कंटेंट का विभिन्न भाषाओं में निर्माण कर सकते हैं. तो हमें इस तरीके से इस डाइवर्सिटी को मीट करना है, डाइवर्स नीड्स को मीट करना है. लेकिन हमें हर भाषा को महत्व देना है, हर क्षेत्र को महत्व देना है, और ये जरूरी भी है. जो भौगोलिक विविधता है इसमें हम उसका भी ध्यान रखना है हमें डिजिटल कंटेंट का निर्माण करते समय. इसका एक उदाहरण है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, जो इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के भौगोलिक प्रदेश में रहते हैं, जो कृषि के लिए अपनाई जाने वाली विधियां और प्रविधियां हैं वो अलग अलग है. पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार से कृषि होती है, मैदानी क्षेत्रों में अलग है, पठारी क्षेत्रों में अलग है. तो हम एक तरह की, अगर हम करिकुलम में उसको दिखा रहे हैं और उस पर आधारित डिजिटल रिसोर्स बना रहे हैं,
तो हमें इस विविधता का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि उस क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जो पाठ हम उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम उन्हें बताने जा रहे हैं, उसके साथ रिलेट कर पाए, वो कोई एलियन कंटेंट उन्हें ना लगे। तो इस ये एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमें मीट करना है डिजिटल रिसोर्सेज का निर्माण करते समय। दूसरा है लार्ज स्केल। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो अब पॉपुलेशन के हिसाब से भारत टॉप पे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है, छात्रों की संख्या अधिक है, विद्यालयों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो कोई भी नया कार्य जब हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो इसको इस बड़े स्केल के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी एक चैलेंज है, लेकिन डिजिटल माध्यम से हम इम्प्लीमेंटेशन जल्दी कर सकते हैं। तो जैसे पोर्टल्स के माध्यम से, एप्स के माध्यम से अगर हम अपने बनाए हुए रिसोर्सेस डिसेमिनेट करें तो हम ये स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये चैलेंज को भी हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मीट करना है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में विविधतापूर्ण है, डिफरेंशिएटेड है। कहीं सारी सुविधाएं हैं तो कहीं किसी कोई हमारा सोशल ग्रुप ऐसा भी है जो उन सुविधाओं से वंचित है। कई बार इसका कारण ये नहीं है कि आर्थिक कंस्ट्रेंट्स ही हैं, आर्थिक जो लिमिटेशन है, चुनौतियां हैं वो हैं, बल्कि भौगोलिक लोकेशन भी किसी प्रदेश का ऐसा हो सकता है कि वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फंक्शन करने में दिक्कत आए। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत हो सकती है किन्हीं किन्हीं ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। कहीं पे बिजली ही नहीं पहुंची है तो इंटरनेट कैसे पहुंचेगा। लेकिन पिछले दशक में जो गांव है, हमारे गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत फास्ट हुआ है, जिस वजह से इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी संभव हो पाया है। तो लेकिन फिर भी एक समानता नहीं है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अलग अलग सुविधाएं जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध, उनके हिसाब से डिजिटल टेक्नोलॉजीज का चयन करना पड़ेगा, उनके डिसेमिनेशन का चयन करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है या इंटरनेट की दिक्कत है तो हम ऑफलाइन सॉल्यूशंस पर काम करें, या लिमिटेड अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम रिसोर्स डाउनलोड करें और उनका ऑफलाइन प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज है टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज की, यानी कि जो हमारे शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज को और अधिक हमें उन्हें उसमें पारंगत करना, ये भी एक चैलेंज है। और शिक्षक प्रशिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है, शिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो उसके लिए भी हमें एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज हम बढ़ा सकें। हालांकि कोविड महामारी के दौरान हम सबके आगे कोई और रास्ता नहीं था बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और उस दौरान जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं शिक्षकों की, शिक्षक प्रशिक्षकों की, में वो पारंगतता हासिल कर पाए हैं। लेकिन अभी इन कॉम्पिटेंसीज को और अधिक हमें तराशने की जरूरत है। इसके लिए आईसीटी करिकुलम जैसा इनिशिएटिव हमारे सामने है। इसके अलावा हम ऑनलाइन सेशन निरंतर लेते रहते हैं जो टेक्नोलॉजी टूल्स हैं उनके ऊपर, ताकि शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की जो ये कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें और अधिक हम सुधार निरंतर लाते रहें। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेस की क्वालिटी एक महत्वपूर्ण जो चैलेंज है हमारे सामने है, जिसको हमें करना है। तो समान क्वालिटी के रिसोर्सेज उपलब्ध हो, इसके लिए दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह से देखा गया है, इन्विसाइज किया गया है, और ताकि हर बच्चे को, हर शिक्षक को समान, एक समान क्वालिटी के डिजिटल रिसोर्सेज उपलब्ध हो। लेकिन उपलब्ध तब होंगे जब हम क्वालिटी रिसोर्सेज का निर्माण भी करेंगे। तो इस कार्यशाला का ये भी उद्देश्य है कि क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेज कैसे हम
निर्मित करें, उसमें भी आप लोगों का ओरिएंटेशन करना। फिर अलग अलग स्तर पर जो अलग अलग एफर्ट्स होते हैं, हर राज्य का मान लीजिए वो अपने वेबसाइट्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, तो उसके बजाय हमें कन्वर्जेंस करना है एफर्ट का। फ्रेगमेंट्स में ये एफर्ट ना करके एफर्ट इस तरीके से करें जिसका मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा पाए और अलग अलग लोग अलग अलग रोल में कार्य कर सके। जैसे एक उदाहरण है कि किताबों का निर्माण करना, तो किताबों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होता है और बहुत सारे राज्य एनसीईआरटी की किताबों को अपनाते हैं। इस बार क्या हो रहा है, कन्वर्ज करने के लिए एफर्ट्स को हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से कम 22 भाषाओं में इन पुस्तकों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स है। जो लोग उस भाषा को जानते हैं, पहले मशीन ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, उसके बाद उन राज्यों से वो किताबें शेयर कर सकते हैं उन रिसोर्स पर्सन से जो उन 22 भाषाओं को जानने वाले राज्य हैं, ताकि कम एफर्ट में सबको एक साथ जोड़ के हम 22 भाषाओं में जल्दी से जल्दी इन किताबों को लोगों तक पहुंचा सके। और यही अप्लाई होता है डिजिटल रिसोर्सेज के ऊपर भी। इसी तरह से हम डिजिटल रिसोर्सेज का भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिससे सेम रिसोर्स अगर वो कॉमन है तो अन्य लोगों को भी उपलब्ध हो। लेकिन जहां जहां विविधता की वजह से उस कॉन्सेप्ट में फर्क है अलग अलग राज्यों में, जैसे एक उदाहरण मैंने बताया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, तो वहां डिजिटल रिसोर्स भी अफ्रेश बनाने की जरूरत है। लेकिन उससे क्या होगा कि ये तमाम तरह की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भारत में अपनाई गई है, सब लोग उनके बारे में जान सकते हैं, ना कि कंफ्यूज होना एक तरह के प्रैक्टिस सबके ऊपर अगर हम अप्लाई करें। तो कन्वर्जेंस एफर्ट्स भी इस तरह से बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर हमें कार्य करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम देखेंगे कि एनईपी 2020, जहां तक तकनीक का सवाल है, उसमें किन बातों के ऊपर ज्यादा जोर देती है, तो कुछ हम पिछली स्लाइड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा बिल्डिंग डिजिटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ हम टीचर्स की तो बात कर सके हैं चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की डिजिटल कॉम्पिटेंसीज भी हमें ध्यान में रखनी है। हालांकि स्टूडेंट्स क्योंकि वो नेटिव है टेक्नोलॉजी के साथ वो पैदा हुए हैं, तो वो ज्यादा पारंगत हैं, लेकिन उनके लिए डिजिटल कॉम्पिटेंसीज के और आयाम हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो कितने सेफ और सिक्योर है साइबर जगत में, इसको हमें इंश्योर करना है और वो कॉम्पिटेंसीज उनकी इम्प्रूव करनी है। पोर्टल्स एप्स एंड टूल्स डेवलप करने में हमें कन्वर्जेंस करना है जो बताया गया। इसके अलावा क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेस विविध भाषाओं में, टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी हमें हार्नेस करना है। प्रोफेसर बेहरा ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला भी था कि हम ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचते हैं और उसके लिए हमारे पास क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेस होने चाहिए। इसके अलावा ई गवर्नेंस की भी बात की गई थी। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन भी है जो एनईपी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम है जो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो पेंडेमिक की स्थिति में तो था ही, अदरवाइज भी हमें जो ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन के ऊपर कार्य करना है। कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो जब हमें ऑनलाइन असेसमेंट करना पड़े तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम है रेडी होना चाहिए, और उसमें किन बातों का हमें ध्यान देना है, किस तरह से इसको और हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुचारू बनाना है, वो भी एक चैलेंज भी है और एक आवश्यकता भी है जो एनईपी 2020 में रिफ्लेक्ट करी गई है। कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की भी ओपनिंग रिमार्क में बात करी गई, ये भी जो एनईपी 2020 में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में
उभर कर सामने आया है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स टीचर एजुकेटर्स में पिछली स्लाइड में बात कर चुकी हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम किताबें बनाएं या सिलेबस बनाएं या डिजिटल कंटेंट बनाएं, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स ले आउट करना बहुत जरूरी है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसके आगे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये क्वालिटी तो होना चाहिए। जैसे डिजिटल कंटेंट गाइडलाइंस बनाई है एनसीईआरटी ने, एंड गाइडलाइंस फॉर डिजिटल कंटेंट फॉर स्पेशली एबल चिल्ड्रन एक और गाइडलाइन है, तो ये स्टैंडर्ड ले डाउन करते हैं फॉर टुवर्ड्स दीज इनिशिएटिव। तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो एनईपी में रिफ्लेक्ट हुई है। इसके अलावा ईटी में रिसर्च इतना नहीं हुआ है एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जितना की और क्षेत्रों में हुआ है। तो इंटेंसिव रिसर्च की आवश्यकता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। वो इसलिए भी जरूरी है कि टेक्नोलॉजी डायनेमिक है, निरंतर बदलाव आते रहते हैं, तो इसी तरह से इसका रिसर्च भी निरंतर चलता रहना चाहिए, ताकि जो नए बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में उनको भी रिसर्च में रिफ्लेक्ट हो सके कि उनका इम्पैक्ट क्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जो एनईपी 2020 में रिफ्लेक्ट किए गए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये कुछ मेजर डिजिटल इनिशिएटिव हैं, जैसे पीएम ई विद्या एक अमरेला इनिशिएटिव है जिसके अंदर बाकी सभी डिजिटल इनिशिएटिव आते हैं। दीक्षा भी इसी का एक पार्ट है। ई पाठशाला जो कि एक मोबाइल लैब ऐप और एक पोर्टल के रूप में उपलब्ध है। निष्ठा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है नेशनल लेवल का। स्वयं एक पोर्टल है हायर एजुकेशन के कोर्सेज को डिसेमिनेट करने के लिए और स्कूल बुक्स को भी डिसेमिनेट करने के लिए, और इसके अलावा टीचर्स के डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करने के लिए आईसीटी करिकुलम। तो ये कुछ मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। इनके तहत और क्या क्या कार्य किया जा रहा है और इनका स्टेटस क्या है, ये अब आप आगे की स्लाइड में देखेंगे, डॉक्टर गुलशन वो प्रेजेंट करेंगी। तो इसमें बहुत सारे जो एप्स हैं वो भी एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं। 400 रेडियो चैनल्स हैं, टीवी हैं, और इसके अलावा स्वयं पर कोर्सेज का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजों के लिए मैं डॉक्टर गुलशन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू डॉक्टर गुलशन, और कहीं दिक्कत आएगी आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी आपके। We are there to answer your questions. Over to Dr. Bruce. Thank you, ma'am. आपने हमें ओरिएंट किया कि कितने हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिन पे काम चल रहा है। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव था वो है पीएमई विद्या। जैसे कि आप सबको पता है कि पीएमई विद्या के तहत एनसीईआरटी के पास 12 चैनल्स थे। एक चैनल एक क्लास के लिए था, पर्टिकुलर क्लास के लिए। क्लास 1 to क्लास 12 हमारे पास 12 डीटीएच चैनल थे, जो अब बढ़ के 200 चैनल हो गए हैं। और जैसे कि सर ने बताया था ओपनिंग रिमार्क में, 200 चैनल में भी हर स्टेट को जो है 4 से लेके 5 चैनल्स तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो पीएमई विद्या का जो फोकस है वो आप देख सकते हैं स्लाइड में। इट फोकसेस ऑन यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एनेबलिंग मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन, यानी मल्टी मोड एजुकेशन जो है वो पीएमई विद्या के तहत जो दी जा रही है। मल्टी मोड किस तरीके से कि बच्चे को जो है टेलीविजन पे भी वो सारे चैनल्स वॉच कर सकता है, जितना भी ई कंटेंट है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से वो वीडियो फॉर्म में टेलीविजन के थ्रू जो है वो उनका उसका टेलीकास्ट होता है। हर चैनल का हर क्लास के लिए एक चैनल है, तो इसको हमने ये भी एक टैगलाइन इसके लिए दी गई है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। और वही जो ई कंटेंट है वो रेडियो में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जितने भी हमारे कम्युनिटी रेडियोज हैं, हमारे 300 से ज्यादा जो है कम्युनिटी रेडियोज हैं, और उन उन सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में भी जो है ई कंटेंट ब्रॉडकास्ट होता है। दीक्षा भी एक आप सभी को पता है कि दीक्षा इनिशिएटिव्स है जो पीएमई विद्या के अंडर जो है
आता है आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको, दीक्षा को पीएम विद्या के अंडर अनाउंस किया गया है, और दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि दीक्षा में जितने भी भारत में 36 राज्य हैं, 36 में से 35 राज्यों का ई कंटेंट अवेलेबल है दीक्षा पे, तो इसीलिए दीक्षा को ही कहा गया है कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरे जितने भी नेशंस हैं, सारे नेशंस का ई कंटेंट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी है, वो वीडियो फॉर्म में भी है, ऑडियो फॉर्म में भी है, वो हर तरह का कंटेंट दीक्षा पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही स्पेशल ई कंटेंट भी बनाया जा रहा है, सीआईटीज पे काम कर रहा है लगातार, और बहुत सारा ई कंटेंट हमारा दीक्षा पे अवेलेबल है, जो कि हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनके लिए ई कंटेंट उपलब्ध है दीक्षा पर। और इसी के साथ साथ, जैसे कि हमने अभी निष्ठा का एक एग्जांपल आपको दिया था, निष्ठा के बारे में बताया था कि निष्ठा हमारा नेशनल लेवल टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम है, उसमें दीक्षा पे टाइम टू टाइम जो है ऑनलाइन कोर्सेज आते रहते हैं, आप सबने वो अटेम्प्ट भी किए होंगे, आप सब सर्टिफाइड भी होंगे सारी कोर्सेज को करने के बाद। तो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं अभी प्रेजेंटली जो है 9,000 से ज्यादा कोर्सेज जो है दीक्षा पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको उन कोर्सेज से लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद ये हम स्टेटस दिखाने की हमने कोशिश की है कि पीएम विद्या के अंडर जो हमारे 12 टीवी चैनल थे उनमें कितना वीडियो प्रोग्राम अभी तक जा चुका है, कितना हमारा आईएसएल कंटेंट जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 6,000 से भी ज्यादा जो है वीडियो प्रोग्राम्स जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में क्लास 1 टू 12 वो टेलीकास्ट किए जाते हैं, और जो हमारे आईएसएल वीडियोस हैं, आईएसएल प्रोग्राम्स हैं, वो है 4,281 से ज्यादा प्रोग्राम्स जो है वो टेलीकास्ट हो चुके हैं और होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और ये पर्टिकुलर क्लास बेस्ड है, पहली क्लास के लिए अलग है, दूसरी के लिए अलग है, तीसरी के लिए अलग है। इसी तरीके से जो हमारे लाइव शोज हैं वो 5,416 के अराउंड है, और जितना कंटेंट हमारा पीएम विद्या चैनल पे जो प्रोग्राम्स जाते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के ही बनाए हुए नहीं है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने कंटेंट कंट्रीब्यूट किया है, और उन्हीं कंटेंट के बेस पे जो है वीडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे हमने दे रखा है, एनसीईआरटी के साथ साथ एनआईएस का कंटेंट जाता है 12 डीटीएच चैनल्स पे, एनवीएस का कंटेंट जाता है, और ये रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन है, और जितने भी हमारे स्टेट और यूटीज हैं सबका कॉन्टेंट पीएमई विद्या चैनल्स पे टेलीकास्ट होता है। लेकिन वहाँ कंटेंट टेलीकास्ट करने से पहले भी हर एक कंटेंट को रिव्यू किया जाता है, तो एनसीईआरटी के पास एक्सपर्ट्स की जो एक रिव्यू कमेटी बनी हुई है, कंटेंट हमारे पास आता है, उस कंटेंट को कुछ क्राइटेरिया है हमारे इवेल्युएट करने के, उन क्राइटेरिया के बेसिस पे हर कंटेंट को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू के बाद वो हमारे दर्शकों तक वो प्रोग्राम पहुंचता है या वो कंटेंट पहुंचता है। तो ये एक छोटा सा एक हमने एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश की गई है कि कितना व्यूअरशिप जो है हो गया है 12 हमारे चैनल्स का। तो आप देख सकते हैं 12 चैनल्स का व्यूअरशिप कितना गया है, इसमें जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, ये टाइम टू टाइम हम डेटा एनालाइज करते रहते हैं और ये भी पता करते हैं कि किस चैनल में जो है सबसे ज्यादा डेटा देखा जा रहा है, किस में सबसे कम देखा जा रहा है, और उसका क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें जो है हम टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहते हैं। तो इस स्लाइड में जैसे कि दिख रहा है क्लास 7 का जो है वो ज्यादा व्यू किया गया है, ज्यादा देखा गया है। इसके बाद सॉरी यस इस वाली स्लाइड में फीडबैक मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश की गई है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि हम प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमारे 12 चैनल पे हमारे प्रोग्राम्स जा रहे हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स से क्या फायदा हो रहा है। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था आपको कि व्यूअरशिप किस चैनल की ज्यादा थी, तो हमारा जो है IVRS कॉल सिस्टम है, यहाँ पे हमने नंबर भी दे रखा है पीएमई विद्या के लिए जो 8800440559, इस पे डायरेक्टली बच्चे कॉल करते हैं, टीचर्स कॉल करते हैं, और
पर्टिकुलर कंटेंट जितना भी टेलीकास्ट हो रहा है उसका फीडबैक हमको मिलता रहता है। अगर उनकी कोई डिमांड होती है, वो ये चाहते हैं कि हमें इस क्लास का ये वाले टॉपिक का जो है फिर से टेलीकास्ट देखना है, या हम मैथ्स के जो कंटेंट है वो और ज्यादा हम चाहते हैं कि इसका टेलीकास्ट ज्यादा हो, तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चे या टीचर्स हमारे साथ। तो अभी तक आज की डेट तक जितने भी हमें ईमेल्स मिल चुके हैं वो 1200 से ज्यादा ईमेल्स मिल चुके हैं, और इसके अलावा जो मैं अभी नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे IVRS नंबर, इस पे भी डायरेक्टली कॉल करके फीडबैक बच्चे देते हैं, टीचर्स देते हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप इधर एक और नंबर आप देख पा रहे हैं, ये है मनोदर्पण का IVRS नंबर। मनोदर्पण MOE का एक कोई इनिशिएटिव है फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का। इसमें बच्चों को जिनको भी थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिनकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है मेंटल वेलबींग को लेके, बच्चे डायरेक्ट कॉल करते हैं टीचर, अगर टीचर भी कॉल करते हैं इसमें, अगर टीचर को लगता है कि उनकी क्लास में कोई एक ऐसा केस है जिसको जो है थोड़ी सी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है या कोई और भी प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पे 8448440632 पे कॉल करके जो है हमारे सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं हमारे पास, उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। तो इसका डेटा हमने यहाँ पे दे रखा है, अभी तक हमारे पास 27,000 से ज्यादा जो है वो कॉल्स रिसीव हो चुकी है मनोदर्पण के अंदर। दीक्षा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, दीक्षा इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड आप सबको पता है कि ये एक रिपोजिटरी है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि जिसको भी जिस तरह का कंटेंट देखना है, जिस भी स्टेक होल्डर को अगर रेफर करना है कंटेंट, तो वो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की रिपोजिटरी है दीक्षा। आराम से कोई भी जो स्टेक होल्डर है दीक्षा को एक्सेस कर सकता है, और दीक्षा को कैसे एक्सेस करते हैं, क्या क्या उसके तरीके एक्सेस करते हैं, वो भी हम अपने अगले आने वाले सेशंस में जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म किस तरह से है कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि दीक्षा पे जितना भी कंटेंट, जितना कंटेंट हमारे पास आता है, जो चाहे टेलीकास्ट हो रहा हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, या दीक्षा पे अवेलेबल हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आता है। NCERT के अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन, NIS है, KVS है, NVS है, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन है, या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, और हमारे 35 स्टेट्स एंड यूटीज हैं जिनका कंटेंट दीक्षा पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से एक कोलैबोरेटिव मैनर में जो है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो उपलब्ध है दीक्षा पे, तो हम कह सकते हैं कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। और जितना भी कंटेंट है वो सारा करिकुलम अलाइंड है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक से अलाइंड है, चैप्टर से अलाइंड है, इसीलिए इसको करिकुलम ये कहा गया है कि द कंटेंट इज करिकुलम अलाइंड। और आपने नोट किया होगा कि दीक्षा पे अगर बच्चे कोई कंटेंट जो है एक्सेस करते हैं, या आप भी अगर कोई देखते हैं, तो लास्ट में जब कंटेंट एंड हो जाता है तो उसके बाद आपसे वो मार्किंग पूछता है, स्टार मार्किंग पूछता है, तो स्टार पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बैक एंड पे जो है उसका कोई ना कोई डेटा जो है जाके सेव हो जाता है, जिसकी हेल्प से जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा देखा गया, कौन सा कंटेंट जो है सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, कितना स्टार मार्किंग है इसकी। तो ये जो मार्किंग है वो एनालिसिस करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। ऑब्वियसली दीक्षा भी जितना भी कंटेंट है वो किसी की एक भाषा में नहीं है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, और प्रेजेंटली दीक्षा पे जो है 38 लैंग्वेजेस में जो है कंटेंट अवेलेबल है। और दीक्षा में एक ये भी आसानी है, एक सहूलत है कि आप कंटेंट को ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और इसको ऑफलाइन एक्सेस करने का क्या तरीका है कि जो भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नेट भी नहीं है और वो कंटेंट डाउनलोडेड है, तो आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ ही दीक्षा पे, अगर आपने दीक्षा को एक्सप्लोर किया है, तो आपने देखा होगा कि दीक्षा पे जो है मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, यानी कि मल्टीपल वेब पेजेस अवेलेबल हैं, जो एक जितनी भी टर्म्स हैं NEP 2020 में
बताई गई हैं, मेंशन की गई हैं, हर एरिया पे एक वर्टिकल दिशा में क्रिएट किया गया है। तो एक वर्टिकल है जो फर्स्ट वर्टिकल है उसमें, वो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी का, एक वर्टिकल एजुकेशन फॉर ऑल का, वर्चुअल लैब्स का, जादुई पिटारा का, इसके बारे में भी डिटेल सेशंस हमारे होंगे आगे। इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दीक्षा किस तरीके से हेल्प कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने का। तो इसमें हमने ये बताया गया है कि दीक्षा पे जितनी भी किताबें हमारी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल थी उन सबको डिजिटाइज किया गया और उन सबको एनर्जाइज किया गया। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक से आप समझ का मतलब ये है कि हर किताब पे जो है एक पर्टिकुलर क्यूआर कोड है, जिस क्यूआर कोड को अगर एक्सेस किया जाए तो उस क्यूआर कोड से जितने भी रिसोर्सेज मैप्ड है, वो रिसोर्सेज एक्सप्लेनेशन रिसोर्स हो सकती है, प्रैक्टिस रिसोर्सेज हो सकती है, एक्सपीरियंशियल रिसोर्सेज हो सकती है, टीचर्स रिसोर्सेज हो सकती है, या इसके अलावा भी जितनी रिसोर्सेज है वो सारी रिसोर्सेज जो स्टेक होल्डर है चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है वो एक्सेस कर सकता है। तो एक तरीके से दीक्षा में आप ये मैप में देख सकते हैं कि जितना भी ब्लू ब्लू आप देख पा रहे हैं उन सारे स्टेट्स में स्टेट्स ने दीक्षा को अडॉप्ट कर लिया है। तो जितना भी फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल टेक्स्ट बुक्स को डिजिटल टेक्स्ट बुक्स पे कन्वर्ट किया गया और वो अवेलेबल कराया गया होल नेशन के लिए। कितनी तरह का कंटेंट दीक्षा पे अवेलेबल है, दीक्षा पे एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। प्रेजेंटली नंबर जो है दीक्षा पे एनर्जाइज टेक्स्ट बुक का वो है 6,600 से ज्यादा किताबें जो है जितने स्टेट्स और यूटीज ने कॉन्ट्रीब्यूट करी है सब एनर्जाइज है। और असेसमेंट क्वेश्चंस आपको दीक्षा पे मिलेंगे, इन्फोग्राफिक्स हैं दीक्षा पे, ई कोर्सेज हैं, गाइडलाइंस और हैंडबुक्स जितनी भी क्रिएट की गई हैं, जितनी डेवलप की गई हैं वो सब दीक्षा पे अवेलेबल हैं। वीडियोस हैं, प्लस वीडियोस इन इंडियन साइन लैंग्वेजेस आर आल्सो देयर ऑन दीक्षा। इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव कंटेंट है, ऑडियोज हैं, वर्कशीट्स हैं। तो अगर आपने दीक्षा को एक्सप्लोर किया गया होगा तो आपने ये सारा कंटेंट भी देखा होगा। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने लगा रखे हैं कि जो हमारे साइन लैंग्वेज जो वीडियो वीडियोस हैं उनके ये स्क्रीनशॉट्स हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि दीक्षा कैसे कोहरेंट एक्सेस को एनेबल करता है। आप देख रहे होंगे कि एक पिक्चर में ये दिखाया गया है के बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं, ये टीवी पे आ रहा है पीएमई विद्या का एक प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट हो रहा है और नीचे ही आप देख पा रहे होंगे क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। तो अगर एक घर में जो है एक बच्चा जो है वीडियो पे ये प्रोग्राम देख रहा है, टीवी पे प्रोग्राम देख रहा है वो, और अगर दूसरा बच्चा जो है उसी प्रोग्राम को देखना चाहता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा अपने मोबाइल डिवाइस पे और मोबाइल डिवाइस पे सेम चीज जो है वो वॉच कर सकता है। तो एक तरीके से जो है एक ही चीज को दो डिवाइसेस पे बच्चे देख सकते हैं या टीचर्स देख सकते हैं। तो ये अभी जैसे हमने बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे ब्रिज को जो है जो गैप था कैसे उसे खत्म किया गया है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि एक किताब है और उस किताब पे ये क्यूआर कोड है। तो अगर फिजिकल बुक पे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन किया जाएगा तो आपको वो जितनी जो रिसोर्स है जिसको आप जिस रिसोर्स से ये क्यूआर कोड मैप्ड है वो रिसोर्स आपको अपने मोबाइल पे नजर आ जाएगी। तो यानी जो फिजिकल बुक है उसको आप डिजिटली वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नई टर्म जो है वो एक नई टर्म यूज की गई है, दैट इज कॉल्ड फिजिटल। तो आपकी किताब जो है फिजिटल फॉर्म में, आपको फिजिकल बुक डिजिटल फॉर्म में दिखेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिटल फॉर्म में आपको वो किताब जो है ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स है जो मैप्ड है इस क्यूआर कोड से वो आप देख सकते हैं। इसके बाद विद्यादान एक और इनिशिएटिव है, आप सब इससे फेमिलियर होंगे, जिसके तहत जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहती है कंटेंट वो कर सकती हैं। विद्यादान के अंडर
ऑर्गेनाइजेशंस भी कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हो सकता है कि बहुत सारे टीचर जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन्होंने भी कोई ना कोई अपना कंटेंट जो है विद्यादान के थ्रू दीक्षा पे कंट्रीब्यूट किया होगा। तो अभी जो प्रेजेंट नंबर है कंटेंट कंट्रीब्यूटेड का विद्यादान पर वो है 2,43,000 से ज्यादा। दीक्षा का एक और फीचर है माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स, और इस फीचर के तहत जो है अभी एक इनोवेटिव पेडागोजी को लेकर एक फेस्टिवल जो है पूरे नेशन में सेलिब्रेट किया गया था, जिसको हम जानते हैं विद्या अमृत महोत्सव के नाम से। इस विद्या अमृत महोत्सव के अंडर जो है जितने भी टीचर्स हैं, जितने राज्यों में टीचर्स हैं, उन्होंने अपना इनोवेटिव पेडागोजी पर एक प्रोजेक्ट बनाया और कंट्रीब्यूट करा दीक्षा पे। तो इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें ये हम देख सकते हैं 27 राज्यों से हमको जो है वो प्रोजेक्ट्स मिले, और प्रोजेक्ट्स जो थे वो 2.6 लाख से, प्रोजेक्ट्स का नंबर 2.6 लाख था, और जितने प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के लिए गए, प्रोजेक्ट विद एविडेंस सबमिटेड बाय स्टेट यूटीज फॉर इवेल्युएशन, वो थे 63 प्रोजेक्ट्स। तो ये जो फीचर है दीक्षा का माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स, इसके अंडर टीचर्स ने 27 राज्यों के जो टीचर्स थे उन्होंने 2.6 लाख प्रोजेक्ट सबमिट करे जिनका इवेल्युएशन किया गया, और अभी इनका जो सेलिब्रेशन पार्ट है वो पेंडिंग है। तो विद्या अमृत महोत्सव जो पूरे नेशन में मनाया गया, पूरे नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट करा, उसके कुछ यहाँ पे ग्लिम्सेस हमने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्किम का एक है, कर्नाटक का है, पंजाब का है, पुदुचेरी का है, हिमाचल का, मणिपुर का, इन सारे स्टेट्स ने जो है पार्टिसिपेट इसमें किया था। विद्या समीक्षा केंद्र वॉज लॉन्च इन एनसीआरटी ऑन 29th of July 2022, और इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं इंदु मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। Am I audible? Thank you, Dr. Gulshan. विद्या समीक्षा केंद्र, जैसा कि आपको विदित है, ये स्लाइड से हम देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था सीआईटी का, एनसीआरटी का विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य है डेटा ड्रोवन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें अगर हर चीज का, जितने भी इनिशिएटिव हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका डेटा अगर हमें ऑटोमेटेड तरीके से उपलब्ध होगा तो डेटा के आधार पर डिसीजन लिए जा सकते हैं और जहां जहां भी आवश्यकता है इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो आप ये ब्लू बार्स में देख रहे हैं, ये सीआईटी एनसीआरटी के प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर हमें हम डेटा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उपलब्ध डेटा के आधार पर इसमें इंटरवेंशंस करते हैं। जैसे दीक्षा ई टीवीज का डेटा, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स का डेटा हमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध होता है, तो हम उसमें गैप देख सकते हैं कि गैप कहाँ है, किन राज्यों ने 100% किताबों को एनर्जाइज कर लिया है, कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें पीछे हैं, ताकि उसी हिसाब से उनको सपोर्ट और हैंड होल्ड किया जा सके। जैसे निष्ठा, हमें पता है ये एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है फॉर दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर्स। इसमें कितना इनरोलमेंट हो चुका है, कितने कोर्स कितने राज्यों में कितने टीचर्स कर चुके हैं, ये सब डेटा हमें उपलब्ध होता है और उस हिसाब से हम डेटा आधारित निर्णय
ले सकते हैं उन राज्यों को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन कार्यक्रमों को करने में या आगे ले जाने में, तो उन चैलेंजेस पर भी फिर हम कार्य कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है विद्या समीक्षा केंद्र का। अभी तक विद्या समीक्षा केंद्र के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सी क्यूब सॉफ्टवेयर है, जो फ्री एंड ओपन सोर्स है, जिस पर जो एनसीईआरटी का जो विद्या समीक्षा केंद्र है सी क्यूब टेक्नोलॉजी को यूज करके ही बनाया गया है। और ये एक स्टार्टर पैक की तरह हम विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शेयर भी कर चुके हैं। तो इसका स्टेटस शायद अगली स्लाइड में है, अगर आप अगली स्लाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं क्या स्टेटस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ हम देखें तो 23 राज्यों के साथ स्टार्टर पैक शेयर किया जा चुका है, और इन राज्यों की लिस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जो ग्रे में है राज्य जो मैप में दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ अभी इन प्रोग्रेस है, और 3 राज्य हैं जो अपना स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। अगली स्लाइड में उनके बारे में दिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी स्लाइड में है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करें तो 3 राज्य हैं जो स्वयं का निर्माण किया है, जैसे उसमें से गुजरात एक है, गोवा है और एक और राज्य है, और कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि वो किस तरह से अपना विद्या समीक्षा केंद्र स्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से विद्या समीक्षा केंद्र स्टैब्लिश करना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि एक ऑप्टिमम लेवल का जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और प्रयास निरंतर चलता रहे, और जिसकी बुनियाद जो रेलेवेंट डेटा हो, तो ये इसका उद्देश्य है। अगला स्लाइड इस पर है। तो ये आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में, सीआईटी में एक एआरवीआर लैब और एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर का भी निर्माण किया गया है, की भी शुरुआत की गई है, और इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको डेमोन्स्ट्रेट करने का ये एक माध्यम है। क्योंकि सीआईटी में बहुत सारे विजिटर आते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक भी होते हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट करने का उद्देश्य यही है कि सभी को नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराना, जिससे जो भी उनके लिए टेक्नोलॉजी संभव है वो टेक्नोलॉजी इनमें से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें एआरवीआर टेक्नोलॉजी भी है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डिवाइस भी है, कुछ ई कंटेंट डिसेमिनेशन करने के लिए भी है, वर्चुअल लैब्स भी है। तो इन तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर में। आप लोगों का भी कभी आना हो, जिन्होंने अगर हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर नहीं देखा है, तो आप भी यहाँ आमंत्रित हैं। डॉक्टर गुलशन आगे बढ़ाएंगे इसको। थैंक यू मैम। तो इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारा जो एक और इनिशिएटिव है ई पाठशाला। ई पाठशाला में जितनी भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है, ई पाठशाला में जितनी भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है, वो सब पीडीएफ की फॉर्म में या ईपब की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डेटा देखा रखा है कि कितना नंबर ऑफ ईपब 377 है, नंबर ऑफ फ्लिप बुक्स जो है वो 377 है। इसके बाद जितनी भी हमारी एप्स है, एनसीईआरटी की जितनी एप्स है, उन सब का यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीक्षा का ऐप है, ये ई पाठशाला की ऐप दिखाई है हमने, निष्ठा का है, पीएम ई विद्या एआर ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप है एनसीईआरटी का, वो कैसे दिखता है। तो ये सब दिखाने का पर्पज ये है कि अगर आप ने इसको यूज अभी तक नहीं किया है या आपके पास नहीं है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं
तो ये ऐप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हैंडी रहेंगी और बहुत यूजफुल रहेंगी। इसी तरह नेशनल अचीवमेंट सर्वे की ऐप है, ई पाठशाला स्कैनर है, ये एसएसपी मॉरिशियस की ऐप है, एनसीएफ की है, दिसांग की ऐप है, ये और प्रशस्त की ऐप है, ये भी एनसीईआरटी का एक इनिशिएटिव है। इसके बाद प्रशस्त के बारे में छोटा सा एक ये इंट्रोडक्शन हमने देने की कोशिश की है कि प्रशस्त जो है ये आप सबको पता है कि न्यू एप्लीकेशन है एनसीईआरटी की, और इस एप्लीकेशन में जो है टीचर्स, इस एप्लीकेशन के हेल्प से टीचर जो है अगर उनकी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्पेशल नीड्स का है उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई टीचर कर सकता है। तो प्रशस्त में जो है चेकलिस्ट दी गई है, जितने भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके अंदर उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी वो किस डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, क्योंकि RPDWD एक्ट में जो है कोई 22 डिसेबिलिटीज मेंशन की गई है, तो उन सारी डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये चेकलिस्ट जो है वो डेवलप की गई है। और उस चेकलिस्ट की हेल्प से टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई डिसेबिलिटी है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये पूरी चेकलिस्ट जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और अगर आप प्रशस्त की ऐप डाउनलोड कर सकते करेंगे तो उसमें भी आपको ये चेकलिस्ट जो है इसको अवेल कर सकते हैं आप। ये प्रशस्त का डैशबोर्ड है, जब आप प्रशस्त की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैम ने जैसे कि पहले बताया था कि निष्ठा है, और निष्ठा के अंतर्गत जो है 42 लाख टीचर्स जो है वो ट्रेन कर दिए गए हैं एलिमेंट्री के। और ये डेटा हमने यहाँ पे दे रखा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में सेकेंडरी के जो कोर्सेज हैं, एलिमेंट्री के जो कोर्सेज हैं, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की जितने कोर्सेज हैं या ECC के जितने कोर्सेज हैं उसमें कितने टीचर्स को हमने ट्रेन कर दिया गया है। और CPD कोर्सेज के अंतर्गत जो है 3,67,000 से ज़्यादा जो सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू कर दिए गए हैं टीचर्स को। और स्वयं प्लेटफॉर्म पे जो MOOCs के कोर्सेज हैं उसमें भी 3,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड है, जिसमें के टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स भी हैं। इसी तरह से जो ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं ET और ICT पे, उसमें भी 4 लाख से ज़्यादा जो है लोग सर्टिफाइड हैं। तो आप ना, अगर आपको पता होगा कि NCERT का एक अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और उसमें 4 से 5 बजे तक जो है हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज जो है लाइव उनका प्रसारण होता है, आप उन्हें एनरोल अपने आप को कर सकते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ही जब ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं तो लाइव हमारे वेबिनार्स जो है चलते हैं 4 से 5 बजे तक शाम में। तो ये निष्ठा का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया है हमने इस स्लाइड में। निष्ठा जो है इट इज अ प्रोग्राम ऑफ इट इज एन इनिशिएटिव व्हिच इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स। तो इसमें अलग अलग लेवल पे कितने कोर्सेज जो है लॉन्च हो चुके हैं, कितने स्टेट्स ने इनको अडॉप्ट कर लिया है और कितनी लैंग्वेजेस में है, ये डेटा हमने इस स्लाइड में दिया है। निष्ठा के एलिमेंट्री लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पे, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लेवल पे और ECC अभी जो ऑनगोइंग है। ये स्वयं का प्लेटफॉर्म है जितने हमारे जिसपे हमारे MOOCs के जो कोर्सेज हैं फ्रॉम फॉर क्लास 11th एंड 12th रन करते हैं। तो अभी तक ये 11 मई तक का डेटा दिया गया है। इसमें 28 कोर्सेज जो है 4,279 से ज्यादा कोर्सेज जो है वो हो चुके हैं। अभी ये नंबर बढ़ गया है, ये तो 11 मई तक का डेटा हमने दे रखा है। इसी तरह से एक और इनिशिएटिव जो है हमारा वो है ICT कोर्सेज का, दैट इज करिकुला फॉर ICT इन एजुकेशन। इसके बारे में भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो NCERT की वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा, उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमारा ये ICT करिकुलम का इनिशिएटिव है। इसमें थीम्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में।
जिन थीम्स पे काम किया गया है वो है प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक है, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स हैं, इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट है, ऑडियो एंड वीडियो है। इसी के साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस एनसीईआरटी ने डेवलप की गई है की हैं, और जिन जिनका स्क्रीनशॉट हमने स्लाइड पे लगाया है। तो एक गाइडलाइन है प्रज्ञाता, ये है डिजिटल एजुकेशन के ऊपर। एक हमारी जो गाइडलाइंस है वो है गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, और नेक्स्ट गाइडलाइन है दैट इज गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। और इसके भी अलग अलग वर्जन्स हर साल आते रहते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 3.0। और ये एक और हमारी बुकलेट है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी, सो इसका नाम है प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर। एक कैरेक्टर है प्रिया जो कि डिसेबल है, और इसकी पूरी कहानी आप जब ये देखेंगे, ये बुकलेट पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी हमारी वेबसाइट पे सारी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइबर सेफ्टी की कुछ गाइडलाइंस है जो इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, ये सारी गाइडलाइंस भी हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। उनका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ लगा रखा है। तो दिस इज अबाउट एनडीईआर। ये हमारे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है जिसको हमने एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो जितने भी कोलेबोरेशन है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, ये है, आप देख सकते हैं कि इसराइल के साथ कोलेबोरेशन है हमारा, कोरियन स्कूल्स हैं उनके साथ कोलेबोरेशन है, भूटान के साथ कोलेबोरेशन है, और उनके जो लोगोज हैं वो भी हमने लास्ट में दे रखे हैं, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोलेबोरेशन है, जैसे गूगल के साथ है हमारा, शिक्षा लोकम के साथ है, एक स्टेप है, यूनिसेफ है, अमृता एंड सो ऑन। इसमें हमने आपके साथ शेयर किया है कि कितने अप्रिसिएशन हमें इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं, एनसीईआरटी सीआईटी एनसीईआरटी को या एनसीईआरटी को इंटरनेशनल लेवल पे कितने अप्रिसिएशंस मिले हैं। तो जो रीसेंट अवार्ड हमने जीता था वो था हमारा यूनेस्को का, कि हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ये, और नेक्स्ट जो है यूनेस्को से हमें अप्रिसिएशन मिला था फॉर इनिशिएटिव्स फॉर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं अपने अवार्ड्स के। और जितने भी हमारे जो रिसेंटली हमारा काम चल रहा है अलग अलग इनिशिएटिव्स पे, जैसे कि पीएमई विद्या है, विद्या समीक्षा केंद्र है, या जैसे कि अभी हमने बताया था आपको विद्या अमृत महोत्सव, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स का एक फीचर है, इन सब की लॉन्च वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है। और उन सारी लॉन्च वीडियोस का ये एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ लगा रखे हैं। लॉन्च वीडियो का मतलब है कि जब भी कोई इनिशिएटिव लॉन्च होता है तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो क्रिएट किया जाता है और उसको हम प्ले करते हैं लॉन्च डे में। तो ये सारे उसी के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रेजेंटेशन एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो इस प्रेजेंटेशन पे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या अगर आप बोलना चाहें तो वर्चुअल हैंड रेस कीजिएगा, माइक ऑन करके एकदम से बोलना स्टार्ट मत कीजिएगा प्लीज। आप वर्चुअल हैंड अपना रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 5 मिनट बाद। अभी फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं।
आई होप कि आपने सबने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया होगा। अगर अभी भी नहीं भरा है तो प्लीज भर दीजिए, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद जब हमारा लंच ब्रेक होगा तो लंच ब्रेक के बाद हम अटेंडेंस लेंगे। रजिस्ट्रेशन अभी लंच से पहले ही आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट मिस अना टू अगेन शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक। प्लीज एक बार और रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दीजिए अनीता एंड एना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में, वैसे तो बहुत इजी है वो, तीन चार चीजें हमने बस पूछी है, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे क्या भरना है। रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दिया है, आप प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लंच से पहले मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है ये। हाँ जी भूपेश सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड वर्चुअल हैंड रेज्ड है। भूपेश जी आपका हैंड रेज्ड है, आपको कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही सर, आप शायद म्यूट हैं, आपका म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ सर, अब यस आप पूछिए, अब आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर पूछिए। यस मैम, बहुत ही अच्छा ये प्रेजेंटेशन था और बहुत सारी जानकारी हुई। इतने सारे इनिशिएटिव आईसीटी के क्षेत्र में एनसीईआरटी सीआईटी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ चीज़ें जैसे हम लोग खुद से जो ई कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो ऐसे तो हमारा यूट्यूब चैनल और ये सब में जाता है, लेकिन इतने सारे प्लेटफॉर्म अगर हैं तो इसमें हम टीचर्स के द्वारा जो क्रिएट किए गए ई कंटेंट हैं, उनको कैसे हम लोग उन सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म अभी बताए गए, तो कोई ऐसा जहाँ पे हम अपने कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं? हेलो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के उद्देश्य अलग अलग हैं। जैसे पीएम ई विद्या के तहत जो 12 चैनल हैं वो जी टीवी के माध्यम से प्रोग्राम्स को डिसेमिनेट करने का साधन है, और जो दीक्षा है वो एक ऐसा पोर्टल है जिसपे सब प्रकार के डिजिटल कंटेंट जो किताबों से अलाइंड है वो डलते हैं। और पीएम ई विद्या के चैनल्स के तहत भी जो कार्यक्रम टीवी पर आते हैं वो भी रेलेवेंट चैप्टर के साथ अलाइन कर दिए जाते हैं किताबों के क्यूआर कोड के साथ। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म्स की कोई विविधता नहीं है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए गए हैं। ई पाठशाला है, ई पाठशाला में एनसीईआरटी का केवल कंटेंट क्यूरेट होता है, हमारी किताबें और हमारे द्वारा बनाया गया चीजें। दीक्षा में सारे स्टेट्स और यूटीज भी टैलेंट है, तो अगर कोई शिक्षक ई कंटेंट बना रहा है, डिजिटल कंटेंट बना रहा है, तो वो दीक्षा पे अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। तो कितनी संख्या में आप करना चाहते हैं, तो हम एक ईमेल आईडी डॉक्टर गुलशन शेयर कर लीजिए ग्रुप में, इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं जो अभी हम चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट दीक्षा पर क्रिएट कर दिया जाएगा। दीक्षा पर विद्यादान भी एक इनिशिएटिव है, विद्यादान के तहत आप वो कंटेंट अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन अपलोड करते ही वो कंटेंट पब्लिक को विजिबल नहीं होगा, पहले उसका रिव्यू होगा और अगर वो अप्रोप्रिएट पाया गया तो फिर वो संबंधित किताब के साथ अलाइन करके वो सभी लोगों के लिए तो वो फिर दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया है। तो आपने अगर कुछ डिजिटल कंटेंट बनाए हैं या किसी भी शिक्षक ने बनाए हैं तो जो ईमेल आईडी अभी हम चैट बॉक्स में डाल रहे हैं उस पे आप लिखें और ड्राइव से आप शेयर भी कर लें कंटेंट चाहे तो कुछ सैंपल, उनके आधार पर फिर आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करा के उनको अपलोड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। थैंक यू। मैं वही प्रक्रिया जानना चाह रहा था कि हम लोग आवाज नहीं मिल रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? थैंक यू मैम। वही प्रक्रिया जानना चाह रहा था कि दीक्षा दीक्षा में तो ई कंटेंट ऐसे ही इजीली अपलोड नहीं हो सकता है, तो ईमेल अब शेयर किया गया है तो इसके संबंध में फिर आगे प्रयास करूंगा। क्योंकि वो हर एक के लिए ओपन नहीं कर सकते ना, कोई भी कुछ भी डाल सकता है। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है कि किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं तो अपलोड होने लगेगा। तो जो हमारे जेन्युइन कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो आप कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल पे लिखे, हम आपसे संपर्क करेंगे और फिर आप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कंटेंट अपलोड करने की। और ये प्रक्रिया तो वैसे भी होनी ही चाहिए, नहीं तो हर कोई व्यक्ति के लिए, क्योंकि दीक्षा तो उपलब्ध है तो कोई भी व्यक्ति उस पर कुछ भी डाल सकता है। तो ये, ये तो इसी वजह से एक प्रक्रिया है जो बनाई गई है कंटेंट अपलोड करने की। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड सेशन आज का जो है वो है डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू जादुई पिटारा FLN एंड एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल्स। और इस सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर इंदु कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर दीक्षा एंड हेड DICT, एंड डॉक्टर प्राची शर्मा को। सो ओवर टू यू।